किसानों के लाठीचार्ज के मुद्दे से सियासत लगातार जारी है। बीजेपी आगू आरपी सिंह ने बिना नाम लए पंजाब कांग्रेस को इस लिए जिम्मेवार दसिया। तो उत्थे ही कांग्रेस के विधायक राजा वड़िंग ने हरियाणा सरकार से तंज कसिया है। तो प्रताप सिंह बाजवा के वलों भी मनोहर सरकार से मुलजमान तो कार्रवाई करने की मांग की गई है। कहाँ से कौन लोग किसकी शह पे आ रहे हैं वो शायद भूल रहे हैं। जिस दिन सिद्धू की शपथ ग्रहण थी उनके तब के प्रदेश अध्यक्ष जाखड़ जी ने सबके समक्ष पब्लिक डोमेन में एक भाषण दिया था, कहा था कि हम आभारी हैं पंजाब के कैप्टन साहब के जिन्होंने पंजाब से किसानों का आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा के बॉर्डर पर खड़ा कर दिया है। तो सबको पता है राजनीति हो रही है और राजनीति कौन कर रहा है सबको दिखता है। मनोहर लाल खट्टर मैनु लगा मानसिक संतुलन गवा चुके ने। एक आम व्यक्ति जिन्हों लोगों ने दूजी बारी हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया किस तरह उन्होंने आपकी होमे दे विच साडे किसान भरावां ते तसद्दत कराया लाठीचार्ज कराया उन्होंने लत्तां तुड़वातियां। सो मैं समझदा कि वह आपका मानसिक संतुलन गवा चुके ने। उन्होंने नैतिकता के आधार से मुख्यमंत्री रहन की कुर्सी ते रहन का कोई हक नहीं है और मैं उन्होंने निंदा करदा। इनकी डायरेक्शन ते मैं समझता हूँ वो एसडीएम की डायरेक्शन नहीं थी, वो डायरेक्शन चीफ मिनिस्टर ऑफिस की होंगी कि भाई अगर आज कुछ ऐसा हुआ रोड रोकी गई या प्रदर्शन हुआ तो आप जिम्मेवार होंगे। इसीलिए उस एसडीएम ने बाहर आकर डायरेक्शंस दी जो ऑन कैमरा आई हैं कि हर आदमी का सिर फोड़ दो जो रास्ता रोकना चाहता है।